वासेपुर गनी मोहल्ला के डबल मर्डर कांड में लगातार पुलिस के द्वारा इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि इन दोनों की बहुत ही बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या की गई थी। हालांकि आसपास के लोग भी उस वक्त कुछ भी बताने से कतरा रहे थे, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, कई लोगों से जाँच पड़ताल भी की गई और इसे लेकर आज धनबाद SSP के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में काफी हद तक सफलता हाथ लगी है और आरोपी कौन है और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस बारे में भी आज उम्मीद है कि खुलासा हो पाएगा। ये विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला। दिनांक 16 तारीख को के शाम में बैंक मोड़ में एक सूचना आई थी कि दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है वासेपुर में। 16 तारीख के रात में जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा गया कि दो लड़के जो डिसीज थे, मोहम्मद साहिल और ये सोहेल अंसारी और मोहम्मद साहिल अंसारी, इस दोनों की हत्या की गई थी। दोनों को चाकू से हत्या की गई। इस संबंध में 17 तारीख को कांड दर्ज कराया गया है और उसमें कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए थे कि इनके कहने पर शायद ये हत्या हुई है, लेकिन पुलिस ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान किया तो जो प्राथमिकी में जो कारण थे उसके हटकर हत्या के कारण का पता चला है और इसमें पुलिस ने मुख्य जो तीन मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की है। एक अन्य अभियुक्त अभी फिलहाल चल रहा है और कांड में जो हत्या करने में प्रयुक्त हथियार था वो हथियार भी बरामद कर लिए गए। हथियार में एक काफी लंबा धारदार चाकू बरामद किया गया है जिससे हत्या कारित किया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो खून के धब्बे हैं वो अभियुक्त के घर पे भी बरामद किए गए हैं, अभियुक्त के सीढ़ियों पर और अभियुक्त के दीवार पर भी वो खून के धब्बे नजर आए हैं, जिसको भी पुलिस ने, पुलिस की जो टीम है, फसल टीम है पुलिस की, उसने उसको जब्त किया है। मुख्य कारण जो पता चला है कि कुछ दिनों पहले जो अभियुक्त है उसका झगड़ा इन दोनों डिसीज से हुआ था। कारण प्रेम प्रसंग का है कि अभियुक्त का प्रेम प्रसंग किसी से चल रहा था, जिस कारण से पिछले कुछ दिनों पहले अभियुक्त की ये मारपिटाई भी हुई थी। उस मारपिटाई में ये दोनों डिसीज्ड जो हैं सोहेल और साहिल वो दोनों शामिल थे और उसी को लेकर बाद में अभियुक्त को ये भी पता चला कि सोहेल और साहिल शायद जो इसके घर के कुछ महिलाएं हैं उनके पीछे भी ये लोग आते जाते हैं, कुछ कमेंट करते हैं जैसा इनको पता चला था। तो इसी कारण से ये लोग पूरे, क्योंकि ये तीनों चारों भाई हैं, इन लोगों ने घर में ही प्लान बनाया और प्लान बना करके ठीक घर से हर दिन ये जो डिसीज है वो गुजरता था, तो पता चला कि उस दिन वो गुजर रहा है तो तुरंत ये लोग चारों प्लान बना करके सबसे पहले सोहेल को मारे, बाद में साहिल उसको खोजते हुए आया तो देखिए जब वो सामने देखा कि वो लोग वहाँ हैं तो साहिल की भी हत्या कर दी। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से 16 तारीख को वासेपुर के गनी मोहल्ला में इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और आज 19 तारीख को इस मामले में सफलता हाथ लगी है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये मामला पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से बुरी तरीके से लोगों की गला रेत कर हत्या की गई है, लेकिन फिलहाल ये मामला केवल प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। सोहेल के द्वारा और उसके साथी के द्वारा लगातार कुछ दिनों से कुछ महिलाओं का पीछा किया जा रहा था, जैसे साकिल, सोएब और गुलाम, इन तमाम लोगों के द्वारा, इन भाइयों के द्वारा इस मामले पर एक्शन लिया गया, जिसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहा था और आज ये मामला सामने आया है। वजह चाहे जो भी हो, पुलिस को लगातार साक्ष्य मिलते गए, उनके छींटे के निशान भी मिले थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एक सही फैसला लिया गया। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वासेपुर में इस तरह की घटना से पूरे धनबाद को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।